नमस्कार, बीसीए न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। 2021 इस साल का शुभारंभ हो चुका है, तो बीसीए न्यूज की ओर से सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, एसएसपी गंगापार धवल जायसवाल, क्षेत्राधिकारी सोराव अमिता सिंह ने कुशल निर्देशन में प्रयागराज पुलिस लगातार अपराधों पर अंकुश लगा रही है, बड़े बड़े भांडाफोड़ कर रही है। वहीं प्रयागराज के सोराव थाना क्षेत्र के गुद्दापुर में भारी मात्रा में अवैध भांग की फैक्ट्री को पुलिस ने किया बरामद। अब तक की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, भांग की अवैध फैक्ट्री को प्रयागराज पुलिस ने पकड़ा। आपको बताते चले कि यह पूरा मामला सोराव थाना क्षेत्र के गोदापुर का है, जहां पर करीब 1 टन से भी अधिक भांग की अवैध फैक्ट्री को पुलिस ने पकड़ा, जिसकी कीमत लगभग 60,000 से भी अधिक आंकी जा रही है। आज थाना सोराव क्षेत्र के अंतर्गत गद्दोपुर एक जगह है, जहाँ पर प्रयागराज पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए एक अवैध भांग की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यहां से करीब 100 क्विंटल से ज़्यादा की भांग बरामद की गई है, जिसकी बाजार कीमत करीब 60 लाख रुपए से अधिक है। अभी मात्रात्मक रूप से गिनती की जा रही है, ये संख्या और मात्रा और बढ़ने की उम्मीद है। बेसिकली ये 3 तरीके से इसमें अवैध रूप से गतिविधि चल रही थी। एक तो जो भी इनके भांग का मानक है, उससे बहुत ज़्यादा संख्या में इन्होंने भांग यहाँ पर रिजर्व कर रखी थी। दूसरा, ये गलत तरीके से ट्रेडमार्क मानकों का उल्लंघन कर रहे थे और दूसरे ट्रेडमार्क और दूसरे कॉपीराइट से ये अपना सामान बेच रहे थे। इसके अलावा जो पैकेजिंग के मानक हैं, उनका भी खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है था। समस्त चीज़ों को जब्त करने की कार्रवाई चल रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें 3 लोगों को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये कितने समय से ये प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अनुमानता ये है कि 6 महीने साल भर से तो ये जरूर था, क्योंकि जितनी मात्रा में भांग मिली है उसको इकट्ठा करने में समय जरूर लगा होगा। और इसके विभिन्न पहलुओं की जाँच की जा रही है कि ये सप्लाई कहां से प्राप्त करते थे और इसको कहां बेचते थे आगे, इन सारे पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में मनोज जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और सूरज शुक्ला, इन तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और मौके पर आबकारी विभाग की टीम को भी बुला लिया गया है और पुलिस इनके खिलाफ विविध कार्रवाई कर रही है। प्रयागराज से रविचंद्रा की रिपोर्ट, बीसी न्यूज, नागपुर। मथुरा गिरिराज तलहाटी गोवर्धन ने श्री गिरिराज सेवा मित्र मंडल हाथरस द्वारा गोवर्धन गिरिराज धाम व दानघाटी मंदिर पर में हुआ भव्य छप्पन भोग व फूल बंगला का आयोजन। वही बुधवार को हाथरस के श्रद्धालुओं भक्तों लगाई गिरिराज महाराज की परिक्रमा। छप्पन भोग के कार्यक्रम के दौरान भजन संध्या का कार्यक्रम, वही गिरिराज महाराज के भजनों पर जयकारे लगाते हुए नजर आए श्रद्धालु और भक्त। वही श्री गिरिराज सेवा मंडल की पदाधिकारी व संकल्पित गौ सेवक पंडित आशीष शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम सन 2005 से करते आ रहे हैं और हम हर साल की आखिरी तारीख में गिरिराज महाराज के चरणों में व्यतीत करते हैं। हमें यहाँ पर आकर बहुत ही आनंद आता है। उनके इस कार्यक्रम में गिरिराज महाराज के चरणों में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। नए वर्ष की गिरिराज महाराज जी के चरणों से ही शुरुआत करते हैं। इस मौके पर ओम प्रकाश शर्मा, प्रशांत शर्मा, युवराज शर्मा, योगेंद्र पंडित, सीपू जी महाराज मेहता, देवेंद्र पचौरी, अमोद गौड़, अश्विनी सूरी, अनूप चौधरी, पंडित विमल प्रधान, ललित शर्मा, राजीव चौधरी, राकेश बंसल, ओमवीर राणा, गुंजा शर्मा, शिवानी मेहरा, रेखा पचौरी, निधि अग्रवाल, रचना शर्मा, अंजलि अग्रवाल, विशाल राठी आदि श्रद्धालु भक्त मौजूद रहे। जी, गिरिराज सेवा मित्र मंडल के सानिध्य में ये 17वां जो उत्सव मनाया जाता है, बड़ा ही अलग अनुभूति। देश और विदेश से यहाँ इतने भक्त लोग साथ में आते हैं और 2 दिन ये परिक्रमा का आनंद, संकीर्तन का आनंद, छप्पन भोग का आनंद हम सभी यहाँ लेते हैं और सभी भक्त इतना झूम जाते हैं यहाँ गिरिराज में जी में आकर के, कि सबको परम आनंद की अनुभूति होती है। मथुरा से अजय ठाकुर, बीसी न्यूज, नागपुर। जनपद कासगंज के हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक द्वारा पाल समाज के खिलाफ जाति सूचक शब्द व अभद्र भाषा का प्रयोग करने के चलते पाल समाज में आक्रोश पनप गया और आक्रोशित पाल समाज के 100 लोगों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। साथ ही एसएसपी को एक शिकायत पत्र देकर हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। एसएसपी आदित्य प्रकाश वर्मा ने पाल समाज के लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिया है।
आपको बता दें कि कासगंज के एसपी कार्यालय पर नारेबाजी व घेराव कर रहे ये लोग पाल समाज के हैं। इनका आरोप है कि हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक मनोज चौहान ने पाल बघेल समाज को अपमानित किया है, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको लेकर पाल समाज के नेता शिवम बघेल के नेतृत्व में आज सैकड़ों से अधिक समाज के लोगों ने एसएसपी आदित्य प्रकाश वर्मा को ज्ञापन देकर मनोज के विरोध में कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं एसएसपी आदित्य प्रकाश वर्मा ने पाल समाज के लोगों को समझा बुझाकर और कार्रवाई का भरोसा दिलाकर घर भेज दिया है। अब देखना यह होगा कि हिंदू युवा वाहिनी के संयोजक मनोज चौहान पर क्या कार्रवाई होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये पाल समाज के लोगों के द्वारा बताया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन पर पाल समाज के विरुद्ध जो है अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उस संबंध में जांच हेतु ये पाल समाज के लोग एकत्रित होकर आए थे, उनका ज्ञापन ले लिया गया है और जो भी वर्णित तथ्य हैं उनकी जांच होगी। जांच के अनुसार जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीसीएन न्यूज के लिए फहीम अख्तर की रिपोर्ट। मिर्जापुर मड़िहान थाना क्षेत्र के जुमे गांव निवासी एक महिला ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर अवगत कराया कि हम एक शरीफ तथा इज्जतदार घरेलू महिला है, जिस पर थाना कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज कराया गया। बीते 5 दिसंबर को विपक्षियों द्वारा अपने मोबाइल से मुकदमा वापस लेने का दबाव तथा जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक के जरिए दस्ती व रजिस्ट्री सूचना मुख्यमंत्री पोर्टल पर दिया गया था। साथ ही डीआईजी, आईजी व डीजीपी को भी महिला आयोग के जरिए प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री किया गया था। बावजूद इसके अभी तक विपक्षियों के ऊपर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई और न ही विपक्षियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया। 27 दिसंबर को दोपहर में उक्त महिला के विपक्षीगण महिला के मोबाइल पर फोन करके जान से मारने की धमकी, रास्ते से गाड़ी से कुचल देने व महिला के बच्चे को गायब करने की धमकी देने लगे। जी 2 महीने से थाने का कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, जबकि सारे अधिकारी लोग जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। इतना अत्याचार होने के बावजूद सब लोग चुप बैठे हैं, सब लोग पड़ी थाने वाले पैसे लेकर सब चुप बैठे हैं, मिले हुए हैं विपक्षियों से, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ अत्याचार हुआ है, फिर भी जान माल का खतरा बना हुआ है, सबको गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो हमारे जान बार बार वो हमारे गाड़ी से धक्का दिलवा रहे हैं, हम कचहरी आते हैं तो हमारे पीछे पड़े हैं सर, जान माल का खतरा बना हुआ है। अभी रविवार को वो सब आए थे हमारे बच्चे को उठा के ले जाने के लिए, 2-3 गाड़ी से आए थे सब, 2 दिन आए थे, हमारे बच्चे का जान खतरे में है, हम डर के जी रहे हैं, क्या करें, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महिला ने बताया कि विपक्षीगण उसके बच्चों को जबरदस्ती उठाकर गायब करने की फिराक में है। इस दौरान हम लोग 2 महीने से बच बचाकर डर डर के जीवन जीने के लिए मजबूर है। विपक्षियों का राजनीतिक व प्रशासनिक दबाव होने के कारण उनका मनोबल बढ़ता है, जिससे हमको अभी तक न्याय नहीं मिल सका। मुकदमा दर्ज किए लगभग 2 महीने हो गए, अभी तक विपक्षियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे हम और हमारे परिवार को जान माल का खतरा बना हुआ है। उक्त महिला ने प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि थाना पटरी को भी विपक्षियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मुकदमे के विपक्षियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई। इस संदर्भ में विपक्षी गणों को गिरफ्तार करने के लिए महिला ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। मिर्जापुर से अजय दुबे, बीसीएन न्यूज नागपुर। सरकार की योजना के तहत जब मजबूर बाप की बेटियों के हाथों में जब अपनी साइकिल आई तो उसके चेहरे पर बरबस मुस्कान थिरक उठी। उसने कहा, पहले पैदल पढ़ने जाती थी, अब साइकिल से जाऊंगी। प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी संत रविदास सहायतार्थ शिक्षा योजना के तहत मिर्जापुर में दर्जनों छात्राओं को श्रम विभाग के अधिकारियों ने पंजीकृत मजदूरों की बेटियों को साइकिल वितरित किया। अब तक 222 छात्र और छात्राओं को साइकिल बांटा गया है। 10वीं और 12वीं के बाद अध्ययन करने वाले बच्चों को योजना के तहत साइकिल के अलावा छात्रवृत्ति देने की योजना श्रम विभाग के माध्यम से संचालित है। पंजीकृत मजदूरों के परिवार से जितनी मांग आएगी सभी को साइकिल बांटा जाएगा। हमारे पिताजी मजदूरी करते थे, इसलिए हम लोग को साइकिल मिल रहा है, इसलिए हम लोग खुश हैं, क्योंकि साइकिल से स्कूल जाना पड़ेगा।
गरीब परिवार में जन्मी बिटिया शिक्षा के लिए पैदल ही स्कूल जाती थी। योजना के तहत उसे जब साइकिल मिला और उसका नाम लेकर घर जाने को कहा गया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिटिया ने हंसते हुए कहा कि वह पहले पैदल स्कूल जाती थी, अब साइकिल से जाओगी तो आने जाने में समय भी कम लगेगा। मुख्यमंत्री जी की ही प्रेरणा से माननीय श्रम मंत्री स्वयं सार्वजन मंत्री महोदय द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। ये संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के साथ साथ बच्चों को, जो बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास हो जाते हैं और अगली कक्षा में पढ़ते हैं, उनके लिए ये योजना लागू की गई है कि उनको साइकिल सहायता दी जाए ताकि वो दूरस्थ अपने विद्यालय को आसानी से जा सकें और पढ़ सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री महोदय की ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, इससे गरीब बच्चे शिक्षा से लाभान्वित हो गए। जो कोई बाधा आ रही थी कि दूर कैसे जाएं, गांव से निकल कर अपने रास्ते से कैसे जाएं, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक जाना होता है, तो उससे जाने के लिए यह साइकिल सहायता योजना अनुमन्य की गई है, जो हमारे यहाँ पंजीकृत मजदूर हैं उनके बच्चे और बच्चियों के लिए। जयपुर से अजय दुबे, बीसी न्यूज, नागपुर। मिर्जापुर में नए साल में कोरोना से राहत मिलने की उम्मीद है। कोरोना के टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। धीरे धीरे टीकाकरण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी पहुंच रहे हैं। अब तक जनपद को कोरोना टीकाकरण के लिए 2,40,000 सीरीज पहुंच चुके हैं। इन सीरीज की सप्लाई भी जनपद के CHC और PSSC अस्पतालों में कर दिया गया है। कोरोना के टीकाकरण के लिए कुल 19 सेंटर और 40 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। जिले में कुल 4 चरणों में टीकाकरण का कार्य होना है, जिसमें पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 10,131 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा। इसके लिए पहले से ही इस सभी कर्मचारियों की सूची बनाकर महकमे को भेज दिया गया। टीकाकरण की निगरानी के लिए सख्त व्यवस्था भी की गई है। वैक्सीन को रखने के लिए अलग से जिला स्वास्थ्य कार्यालय में ही भवन का निर्माण चल रहा है। वहीं इसी कार्यालय में बने कूल स्टोर में भी कोरोना वैक्सीन रखने के लिए व्यवस्था की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि टीकाकरण की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, सिर्फ वैक्सीन आने का इंतजार है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NBC News। नमस्कार।